नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले में अपराधों को रोकने के लिए एलसीबी की अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक अन्य गिरोह के सरगना सहित तीन अन्य आरोपियों को लंबे समय से चोरी, डकैती, मंदिर चोरी और बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साबरकांठा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों को रोकने के लिए और किए गए अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक अभय चुड़ासमा साहब और पुलिस अधीक्षक चैतन्य मांडलिक साहब ने साबरकांठा एलसीबी पुलिस इंस्पेक्टर एमडी चंपावत को दिए गए निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार एलसीबी की अलग अलग टीमों का गठन किया गया और अपराध का पता लगाने का काम किया गया। एलसीबी के पुलिस सब इंस्पेक्टर जेपी राव की टीम के साथ एएसआई विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल प्रहर्ष कुमार, विजय भाई, प्रकाश भाई, अनिरुद्ध सिंह, राजू भाई, चंद्र सिंह, हनुमान सिंह रात को गश्त पर थे। इस बीच एक निजी मुखबिर से सूचना मिली, गंगभोई और बांकानेर गांव में एक पल्सर मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। एक टीम ने हिम्मत नगर वीरपुर बाईपास के पास एक गुप्त नाकाबंदी स्थापित की, जो कुछ सूचनाओं के आधार पर आया था। दो पल्सर मोटरसाइकिलों को कोर्डन करके पूछताछ की तो भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। वही पकड़े गए मोटरसाइकिल को मोबाइल पॉकेट कैप का उपयोग करके अपने कब्जे में लेने के बाद ये पाया गया कि पल्सर मोटरसाइकिलें दोनों चोरी हो गई थी। ताकि मोटरसाइकिल के साथ चार इसमों ने एलसीबी के कार्यालय हिम्मतनगर लाया गया। निम्नलिखित नामों के साथ अभियुक्तों ने तकनीकी निगरानी की मदद से डकैती, चोरी, मंदिर चोरी, बाइक चोरी और अन्य अपराधों के विभिन्न अपराधों को कबूल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।